अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। शाहजी व्लॉग पर एक न्यू वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो आज हम गाइस गोल्डन फैंसी टोकरी फूलों वाली और सजावट का काम मतलब आपको दिखाएंगे कैसे रहता है। गाइस सबसे पहले हमने एक टोकरी ली गोल्डन की सिंपल, तो इसको आप हम बना के दिखा रहे हैं इसमें क्या क्या ज़रूरत है और क्या मतलब कि इसकी किस चीज़ से ये बनती है और खूबसूरती से किससे चार चांद लगते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये हमने फूल लगाया, ये बांझ, ये इसमें हमने बांझ लगाया, ठीक है ना। ये छह कलियों हैं इसमें, वैसे 12 कलियां होती है, 6 काट लेते हैं क्योंकि 6 इसके साइड पे लगाने के लिए। ये अब चेक करेंगे, इसमें मजीद अच्छी भी बन जाएगी अगर कोई अच्छी बनवाना चाहे, क्योंकि ये हम नॉर्मल हिसाब से बनाते हैं क्योंकि इधर इतनी मतलब कि अफोर्ड लोग नहीं कर सकते फूल अच्छी महंगी बनाए। तो एक ये गोल्डन हम बना के दिखा रहे हैं गाइस आपको, तुमको चेक करना है ऑटो कनेक्ट होने। तो भाई एक ये गोल्डन आपको बना के अदनी उसकी तरह वीडियो जल्दी भाई है ये है बेटे यार ले भाई तो सही तू भी मैं तेरे को मेरे को चाकू हो सी अपना ऐसे पता है कम यार काम आप वो कर लूं ले तेरे को चल ली दा भाई हम ये ठीक है दोस्तों एक बंच और लेते हैं फिर क्या मार देते हैं रेड दो पूरा वो दिखा नहीं और मसला नहीं उनको लाख खड़ा था मलाई को 100 सिर्फ रोज है खाद तक सूखा ना महंगा थी मल वो मैं जो बता देना वीडियो बना सकता मलाई खा कर ना सकता। तो गाइस सबसे पहले हमने दो मतलब के 6-7 काट लेने हैं, ठीक है ना भाई। उसके बाद जो है ना ये देखिए, इसके हमने 7 बंच काट लिए थे, ठीक है ना। अब देखिए इसको ये अब ऐसे बना के ना गाइस इसको ना थोड़ी सी ये लगा ले, गिलू है ये गिलू है, इससे फूल मतलब कि उतरता नहीं है। छोटे बच्चे शिकानियां करते हैं ना तो ये लह जाता है। अब वो पांच वाला बन गया है, ये चल भाई ये चेक करें। अब हमने ना तो भाई ये चेक करें ये कितना प्यारा बन गया, तैयार हो गया। ये 650 का सेल था, ठीक है ना। इसमें एक पंच लगता है, एक पत्ता लगता है और एक छोटा सा फूलदान भी लगता है। अब ये रेडी हो गए, ये तैयार हो गए, ठीक है ना। इसके साथ हम अब दूसरा बना के दिखाएंगे। ये बोला लेस दे दो, क्या लेस है तो की पेक करो भाई। आपने देखा कैसे फूल तैयार होता है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई चीज़ भी किसी चीज़ का कोई डिफेक्ट आ रहा है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं,
जोड़ी बिकती है आपको पता है ये इसी तरह सात बंच काट लेंगे इसके, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना सबसे पहले हमने एक पत्ता लगाया इसमें, पत्ते के बाद उसको बंच की सेटिंग कर रहे हैं आप, ठीक है ना। अब इधर बंच लगा रहे हैं इसमें, ठीक है भाई। ब्लैक वाटर है ऐसा ना, तो गाइस ये चेक कर। अब ये क्या देखें, ये जो रखा किया हमने, इसके पहले हमने ये तैयार की है, ठीक है ना। इसको भी सेट करना है, ठीक है ना। इसके फ्रंट अभी बनाना है, ठीक है ना। उससे पहले हमने ये चीज़ें तैयार की हैं, पांच टोकरी है, ये चेक करें क्या नहीं। तो इसमें कोई क्या ना तो कोई सेटिंग सही ना हो तो आप बता सकते हो इसको, इसमें सही ना हो तो आप हमें बता सकते हैं क्या चीज़ का क्या थी। उससे पहले हमने ये बनाए हैं कोई चीज़ भी। उसके बाद हम न ये देखें, ये चीज़ भी हमने छोटी टोकरियाँ बनाई हैं दस प्लाट वाली, ये चेक करें, ठीक है ना। ये बिल्कुल सस्ती है, 250 की है, 500 का जो है, ठीक है ना। उसके बाद हम ये बड़े पौधे बनाएंगे, आपको इसकी वीडियो बना के दिखाएंगे। तो इसके बाद हम ये पौधे तैयार करेंगे, एक ये टोकरी है, ये बना के आपको दिखाते हैं, जैसे ये वाली बनाई थी रेड वाली, ठीक है ना भाई। ये कहते हैं हम सबसे पहले हमने बंच लिया, एक टोकरी ली, ये भी सेम उसी तरह का प्रोसेस है जैसे हमने पहले उसको किया था, ठीक है ना गाइस। ये देखो गाइस, ये इसको थोड़ा सा हम नीचे से काट लेंगे, ठीक है ना। ऐसे है तो गिलू लगाएंगे, गिलू लगाने के बाद इसको बिल्कुल छोटे फॉर्म के सेंटर में लगाएंगे, जो हमने फॉर्म इसमें फिट किया हुआ था टोकरी में। तो अब हम एक एक पास करके इसके कोने से लगाएंगे, जो कोने से, ठीक है ना। वो शक्ल लगता है नहीं मुझे, सेम शक्ल उन वाली का होगा। शुवर दा मोबाइल से कह दे तो कोई क्या करे नहीं। ये गाइस अब टोकरी हो गई है तैयार, चेक करेंगे, ठीक है ना। वैसे इसको हम खाने वाले, ठीक है भाई, ये रेडी हो गई है, चेक करेंगे। बहुत ही